हेलो, गुड मॉर्निंग। तो अभी मैं यहाँ पे किचन में आ गई हूँ और मॉर्निंग वाले सारे काम हो गए हैं मेरे, नहाना धोना, साफ सफाई और पूजा भी हो गई है। तो अभी बच्चों ने नाश्ते किया था तो मैं फिर उसी का किचन बिखरा हुआ था, गैस गंदी हो रखी थी, बर्तन पड़े हुए थे तो मैं वही साफ कर रही हूँ किचन में। तो मैंने सोचा पहले किचन क्लीन कर दूँ, गैस को साफ कर दूँ, बर्तन धो लूँ, फिर उसके बाद अपने लिए चाय बनाऊँगी मैं। और अभी मैं यहाँ पे दूध गर्म करने के लिए रख रही हूँ। दूध सुबह से ऐसे ही था, गर्म नहीं किया था मैंने। तो मैं गैस को सिम करके दूध रख दूँगी और अपने यहाँ पहले बर्तन धो लूँगी। तो मैंने ये सारे बर्तन निकाल रही हूँ और सब बर्तनों को मैं पहले वो कपड़ा धो लूँगी, किचन का साफ किएगा, गैस साफ किएगा, और उसके बाद मैं फिर सारे बर्तन धोऊँगी। अभी सारे बर्तन धो दिए हैं मैंने और मैं अपनी सिंक साफ कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा बर्तन हो रखे थे क्योंकि सुबह से चाय चुई के बर्तन जो थे वो भी नहीं धुले थे मैंने, और उन सबको साफ करने के बाद मैं अपने हाथ अच्छे से धो लूँगी। और ये अभी मार्केट गए हुए थे तो मैंने, मेरा व्रत है तो मैंने इनसे फूल मंगाए थे बाजार से, तो ये थोड़ा फल और फ्रूट लेके आए थे, फूल भी ले आए थे और थोड़ा टमाटर वगैरह भी ले आए थे, तो मैं उन्हीं सबको धो रही हूँ बाजार से आए के जो इन्होंने ला रखे हैं। और अभी मैंने यहाँ पे अपने लिए चाय रख ली बनाने के लिए, और एक साथ दूध भी गर्म हो रहा है तो मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल उत्तराखंड ब्लॉगर में, और मैं हूँ किरण। तो आज है माता का अष्टम नवरात्रा, तो आप सभी पे, हम सभी भक्तों पे माता रानी की कृपा बनी रहे। और अभी आपने देखा मैं किचन में काम कर रही थी, तो वो काम करके और अपने लिए चाय बना के आई हूँ। मैं चाय पी रही हूँ मैं क्योंकि आज मेरा फास्ट है अष्टमी का। सारे व्रत नहीं लिए थे मैंने, बस पहला किया था, और आज अष्टमी लूँगी और कल को नहीं, कल को कन्या तो खैर क्या जिमाना, क्योंकि आप सभी को पता है कि कन्या जिमाना इस बार तो कुछ भी पूजा पाठ में कुछ भी हम ऐसा नहीं कर पाए। माता रानी के नवरात्रों में जो भी खुशी से मनाना होता है, माता को सजाना, फूल प्रसाद कुछ भी इतना नहीं हो पाया है, लेकिन माता रानी इसी से खुश हो, प्रसन्न हो और हम सभी भक्तों पर कृपा बनाए रखें। तो अभी आज ये मार्केट गए हुए थे, अभी मैंने क्योंकि इनसे थोड़ा फूल मंगवाए थे, घर में फूल नहीं रहते हैं, कहीं भी आसपास फूल नहीं है,
तो मैंने इनको कहा था पूजा करनी है, व्रत है मेरा, तो फूल लेके आइए। तो ये गए थे नीचे, गंगा जी गए थे, फूल लेके आए हैं, फूल प्रसाद फल फ्रूट जो भी होता है प्रसाद के लिए लेके आए थे। तो मैं अभी किचन में वही सब कर रही थी, तो जब ये फूल लेने गए तो थोड़ा बहुत सब्जी भी ले आए, टमाटर वगैरह जो होता है, क्योंकि आजकल प्याज नहीं खा रहे तो टमाटर ही ज़्यादा लग रहा है। तो और आज मैंने सोचा था कि मैं आज भी साड़ी पहनूंगी, लेकिन सुबह से इतना बिजी रही कि बस टाइम ही नहीं मिला। तो फिर मैं साड़ी पहनने का विचार मैंने कैंसिल ही कर दिया, क्योंकि हम लोग साड़ी भी बहुत ही कम पहन पाते हैं। साड़ियों में एक तो काम नहीं होता है, दूसरा ये कि अब आदत छूट गई है तो फिर कभी कभार ही पहनते हैं, तो यही मौके होते हैं जब हम साड़ी पहन लेते हैं। तो आज भी ऐसे हुआ, मुझे पूजा करनी थी, साफ सफाई हुई, नहाना धोना, फिर नाश्ता, तो आज मेरा नाश्ता भी ऐसे रहा बच्चों के लिए। फिर बच्चों के लिए भी नाश्ते में मैगी और ब्रेड बनाई थी, तो वही सब खाया उन लोगों ने भी, क्योंकि मुझे नाश्ता बनाने का टाइम नहीं मिला। तो फिर आज आप लोगों से स्पेशल बात कुछ कहनी थी, तो मैं कैमरे के सामने आई, मैंने कहा जो लोग बहुत सारे मेरे अपने हैं जो मुझे अच्छा मानते हैं, जो मेरी वीडियो को लाइक कर रहे हैं, मेरी वीडियो देख रहे हैं, जो मुझे कमेंट कर रहे हैं, जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं कि ठीक है अच्छी बात है, तो मैं उनके लिए स्पेशली थैंक यू कहना चाहती हूँ। क्योंकि अच्छा लगता है अगर कोई आपके लिए सपोर्ट कर रहा है और आपके लिए लाइक कर रहा है, तो उन सब के लिए थैंक यू। और बस अभी सारे काम तो हो ही गए हैं, अब मुझे इन लोगों के लिए खाना खुना बनाना है, तो चलिए चलते हैं किचन में खाना बनाने के लिए। तो अभी मैं फिर यहाँ पे मटर छील रही हूँ, मटर और बीन्स वगैरह मैं सब काट दूँगी। और इन लोगों के लिए आज फिर मेरा फास्ट है, तो इनके लिए पुलाव बन रहा है। इन्होंने कहा कि भूख भी नहीं है, थोड़ा हल्का फुल्का ही बना लो। तो मैंने सोचा, तो इन्होंने कहा कि मैंने सोचा था दाल चावल बना लो, लेकिन इन्होंने कहा नहीं पुलाव ही बना लो। बच्चों ने भी कहा भूख नहीं है, तो बस मैं वही बनाने की तैयारी कर रही हूँ और मटर छिल रही हूँ। और अभी मैं किचन में आ गई हूँ और अपने सारे धुले हुए बर्तनों को स्टैंड में लगा रही हूँ। जो भी बर्तन मैंने सुबह धुले थे अभी थोड़ी देर पहले, तो वो सूख गए हैं, पानी निकल गया है, तो मैं उन्हीं को लगा रही हूँ। और अब मैं इन लोगों के लिए पुलाव बना रही हूँ। 1 बज गए हैं, तो मैंने सोचा इन लोगों के लिए दिन का खाना तैयार करूँ, तो बस उसी की तैयारी कर रही हूँ मैं। सिंपल सा पुलाव बनेगा, वही सब डाल के जीरा और हींग वगैरह से छौंकूँगी मैं। टमाटर डाल के, 2 टमाटर काटे थे मैंने, और उसी से पुलाव बनाऊँगी मैं इन लोगों के लिए। तो मैं अभी तैयार कर रही हूँ इनका खाना। Thank you.
और अभी पुलाव तैयार हो गया है इन लोगों के लिए दिन का लंच। और अभी यहाँ पे पी रहे हैं हम शाम के चाय, 5 बज चुके हैं और चाय पी रहे हैं हम लोग। वैसे मैं इनसे कुछ बात कर रही हूँ तो ये मुझे कह रहे थे मुझे मत दिखा, बस यही बात हो रही थी। हेलो, तो अभी शाम के 5 बज गए हैं और हम लोगों ने चाय भी पी ली है। तो दिन भर मैं पूरे आपसे बात भी नहीं कर पाई आप लोगों से, क्योंकि जबकि मैं आज दिन में सोई भी नहीं, व्रत था मेरा, तो मैं व्रत के दिन सोती नहीं हूँ। तो बस ऐसे ही तब तभी टीवी देखा तभी फ़ोन चलाया, तो ऐसे में टाइम कब बीता पता ही नहीं चला है। और अभी शाम भी हो गई है तो बस फिर चाय भी हम लोगों ने पी ली है। तो आप लोगों को कैसी लग रही है मेरी वीडियो? अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप लोग मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे कमेंट कीजिए, मेरी वीडियो शेयर कीजिए। और वहाँ पे जहाँ पे आप वीडियो सब्सक्राइब करते हो तो वहाँ पे नोटिफिकेशन बेल या घंटी बनी हुई रहती है, तो आप उसको टच कीजिए। उसको टच करने से ये है कि मेरी नई वीडियो पड़ती है तो उसकी नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में आ जाती है। तो आज की मेरी ये वीडियो इतनी ही थी। अगर तो फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।